फ्रेंड्स, वेलकम टू पी यू टी वी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सलवार की मोरी का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। ये हमने इसके अंदर जैसे हम नॉर्मली स्ट्रिप रेडी करके लगाते हैं उस तरह से लगा ली है। अब हम यहाँ पे इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब हम इसके यहाँ पे इस किनारे पे सिलाई लगा देंगे, ये जो हमने स्ट्रिप लगाई है इसके किनारे पे। अब हम पूरी मोहरी में 1.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से, और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे। जितनी चौड़ाई होगी उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये हमारा 1.5 इंचेस है तो हम इस तरह से 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन पॉइंट्स को इस तरह से एक्सटेंड कर लेंगे। इन पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, जस्ट अपने आइडिया के लिए कि हमारा कहाँ तक हमने जो डिज़ाइन है बनाना है। इससे क्या होता है, जो आपके जो हमारे बिगनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो बिगनर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, इसलिए हम इजी से इजी वे बताते हैं। अब हम इन पॉइंट्स से इस तरह से इस लाइन से टच करते हुए इस तरह से कर्व्स ड्रॉ करेंगे। और इन पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ये जो हमारी कर्व्स हैं इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इस तरह से इनसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे ऊपर यहाँ पे टच करती हुई कर्व इस तरह से। और इन पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम फिर से इस ऐसे कर्व के सेंटर में से ऊपर टच करते हुए इस लाइन तक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे कर्व इस तरह से। और इन पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। इस डिज़ाइन का आजकल बहुत ट्रेंड है। ये डिज़ाइन मोरी में भी चलता है और बाजू में भी ये डिज़ाइन बहुत चलता है। एंकर थ्रेड की हेल्प से बनाओगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमने 1.5 इंच चौड़ी ली है जो बुकरम, आप इसको ज़्यादा चौड़ा भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।